तो ये देखो यार, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है और ये गाड़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में मतलब लग्जरी कार मानी जाती है इंडिया की, और इस कार के अंदर ही आंटी जी ने ढाबा बना दिया। दिल में है करंट कि मुझे कुछ करना तो कर लो, सोचो मत। सस्तीकाल आंटी जी। सस्तीकाल सर। थैंक यू आंटी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वेलकम अभी आंटी, जैसे हम यहाँ से रोड से निकल रहे थे, बहुत तारीफ की है लोगों ने कि बहुत ही कमाल का खाना मिलता है, बड़ा कमाल का ढाबा चलाते हैं आंटी जी। अभी ढाबा किधर है अपना? सर आज दिखाई है गड्डी के पीछे ढाबा बनाया है आपने। अच्छा, ये पीछे जो स्कॉर्पियो खड़ी है, हाँ, इसी के अंदर ढाबा है? स्कॉर्पियो के पीछे ढाबा बनाया है। क्या बात है, आज मैं तुम दिखाऊंगी। ये सामने स्कॉर्पियो कार है, आप देखो यार, जानी मानी कार है इंडिया की, बहुत सारी फिल्मों में भी यूज होती है और बहुत सारे लोग इस गाड़ी को प्यार भी करते हैं, और इसी गाड़ी के अंदर आंटी जी ने ढाबा बनाया हुआ है। यार ये देखो, बूट में ही पूरा का पूरा ढाबा यही सेट है आंटी? इतनी सेट है सर सारा। क्या बात है, बहुत ही कमाल। आप कहाँ से आते हो आंटी? सर हम समराले से आने। समराना से आते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा? हाँ जी सर। क्या बात है यार, तो 50 किलोमीटर दूर से आते हो आप यहाँ पे ढाबा चलाने? ढाबा चलाने हैं। अपने पास क्या क्या होता है आंटी जी? सर अपने को साग होता, ये सरसों का साग है यार। अपने को बहुत ही कमाल कंसिस्टेंसी है साग की। ते सर ये वाला अपने को कड़ी पकौड़ा, ये आ गया जी कड़ी पकौड़ा, राजमा आ गए, ते गाजर मटर मिक्स, गाजर मटर भी आ गए, बहुत ही बढ़िया। ते अपने को कणक दी रोटी, ये तो लगता है कि जैसे यार कोई पिंड का स्वाद नहीं होता, कि दूर कहीं से आया हुआ, लुधियाना का बना नहीं लगता है, शहर का। सर आप समराले तो आने? अच्छा जी। एक घर का खाना तैयार किया अपना, खेत तो लेके थाली च पैन तक अपना सारा कुछ कर दा। क्या बात है, आप तैयार कर दे सारा। अपने फार्म का साग है? फार्म दा साग है, फार्म दी अपनी चाटी दी लस्सी है, अपने मज्जा रखी हुई है गौआं ते मज्जा, ते आप अपने घर दे दुध दी लस्सी तैयार करते हैं, देसी घी तैयार करते हैं। अच्छा, घर दे सारा समान आप घरे तैयार करते हैं। बहुत ही बढ़िया। हां जी, तो साग आंटी मैं चूल्हे पे बनता है गैस पे? चूल्हे ते बनदा सर। अच्छा, और इसको कितने घंटे लगते होंगे आंटी? सर 2-2.5 घंटे लग जाने साग ने चूल्हे ते बनाउण वास्ते। सारे 4 बजे उठ के मैं बाकी सारे मैं फैमिली नु ठाल लना, ते ठाल के सारा समान असी राजमा कड़ी पकौड़ा गाजर मटर साग ये सब आप तैयार करते? हाँ जी, ते चावल ते सैलड वगैरह, मक्की दी रोटी, कणक दी रोटी, ते सारा कुछ तैयार करते हैं सर। ये सानू 10 बजे तक सारा तैयार हो जाता। क्या बात है। आंटी जी आप 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो लुधियाना में अपना ढाबा चलाने, है ना? तो अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैंने काफी जगह देखा है लोग ना काम करना चाहते हैं, पर हर बार सोचते हैं कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी, मेरे को रेस्टोरेंट चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो आप एक अपनी कार के अंदर ही ढाबा चला रहे हो? सर हमने ये चीज़ नहीं हमने सोची है, अपने जेडी गप्पा गड्डी चे पैन ढाबा ला है, रेस्टोरेंट नो घट नहीं है, रेस्टोरेंट नो भी वादा। क्या बात है जी। तो बाकी सर आप बाहर जाने हैं, बाहर भी आप यही काम करते हैं, बाहर जाके भी, है ना, बाहर पर किसी का अंडर काम करना, इतने अपने अपना करना। तो इतने हम भइए वगैरह अपना काम करते हैं, अपने रेहड़ियाँ करते हैं, टब्बर रेहड़ियाँ लाते हैं, टब्बर पालते हैं, वो भी अपना उधरों आके बिहार चो आके अपने को काम करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, तो ही टब्बर पालते हैं। आप कहते नहीं इतने पैसा कमा सकते, अपनी इंडिया च बहुत कम है, जिन्ना मर्जी कम आप कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी शर्म मार दी है। यार बहुत ही सही चीज़ बोली आंटी जी, कि लोग लाखों रुपए लगा के आंटी जी पंजाब से बाहर जा रहे हैं आज की डेट में, तो जो मेहनत बाहर करनी है वो मेहनत पंजाब में भी की जा सकती है। पंजाब में भी की जा सकती है। बहुत ही बढ़िया। तो आंटी एक थाली लगा के दो अपनी, जो बहुत खाने की तारीफ सुनी है लोगों की, वो खाने का स्वाद लेते हैं। सर जरूर। थाली में क्या क्या आएगा आंटी वो भी बता देना। सर अपने को साग हैगा देसी घी पा के जी, नाल दो बड़िया रोटियां। अच्छा जी। नाल सैलड, अचार, ग्रीन चटनी, गुड़ लग रही है जी अपनी पंजाबी थाली। इसके अंदर आ गया जी सलाद, और ये आ गई ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, वाह। ये आ गई सर हरी मिर्च। ये आ गई जी हरी मिर्च। ये अचार के अंदर क्या क्या आता है आंटी जी? सर ये अपना आता है हल्दी का अचार, ठीक है जी, घइए का, ठीक है जी, हरी मिर्च, पपीते का, अंब का, अंब की चटनी, गाजर, बाकी मिक्स अचार, होर कई तरह के अचार ने सर, जेडे सारे मिक्स किए हुए अपने जी 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 अपने आप तैयार किए हैं चार ने। ये आ गया जी देसी घी, पहले देसी घी आया कटोरी में, इसके बाद आएगा जी गर्मा गर्म साग। चावल अपने खत्म हो चुके हैं ना? हाँ जी सर, चावल अपने खत्म हो गए। राजमा चावल, कड़ी चावल भी होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी वो भी होते हैं। आंटी साग के साथ ना अब राजमा भी जरूर देना। तो ये देखो यार एकदम गर्मा गर्म साग, बहुत ही बढ़िया। जैसे आंटी अब 4:30 बजे तक यहाँ पे होते हो, तो ये पूरा दिन गर्म रह जाता खाना आपका? बिल्कुल गर्म साग होता। अब ये देखो यार सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी ना, रोटियां प्रॉपर पैक्ड करके पहले रखी हुई है, आपको ऐसी पैक रोटी मिलेगी। अब जिसको आंटी घर खाना लेके जाना उसको भी इजी है, रोटियां पहले ही पैक पे नहीं है। हाँ जी सर, पैक करी हुई, तो आप भी कोई भी अपने पैक करा के हर एक चीज पर पैक करके देने। अब ये खुल गया जी दोबारा सब्जियों को पटारा, और इसमें से हम लेंगे राजमा।
दुआ। और ये थाली कितने की आंटी जी? साग के साथ सर ये नाल है ते चाटी दी लस्सी। ठीक है जी। साग देसी घी पा के दो बड़ियां रोटियां सैलड अचार ये सारा कुछ मिला के आपां 100 रुपए च देने। ठीक है जी। आपको बताते हैं स्वाद कैसा है यार। थोड़े ना गलत टाइम पे आए हम, राइस खत्म हो गए आंटी जी के पास, नहीं तो राइस भी आपको दिखाता। राजमा राइस खाते ना मजा क्या आता, पर चलो कोई बात नहीं। राजमा साथ ले लिए, राजमा भी है बढ़िया एकदम ना। अब ये आप देखोगे ना वैसा ही कलर है ऐसा घरों में होता है, नहीं तो बाजार में क्या थोड़ा ना फूड कलर डाल के लाली लाली कर देते हैं ऐसे। सर्दियों में गोरे लोगों के गालों पे नहीं आती लाली, वैसे ही लाली में राजमा होते हैं। मेरे नहीं आती यार, मेरा रंग वैसा नहीं ना, गोरे आप में से कुछ जो लोग देख रहे हैं गोरे बहुत होंगे उनकी आती होगी लाली। अब ये देखो ये आ गई जी मक्की की रोटी, एकदम गर्मा गर्म रोटी है और देख के पता लग रहा है कि यार विलेज का टेस्ट है। साथ में साग है, अचार है, अचार की बहुत तारीफ सुनी है। देखो आम का अचार भी है, गाजर भी है, मिर्च भी है। राजमा के साथ शुरू करते हैं क्योंकि राजमा का यार बहुत फैन हूँ मैं। जाबी होम स्टाइल राजमा बिल्कुल जैसे सबके घरों में बनते हैं ना वैसे, पतली पतली तरी वाले राइस के ऊपर लगाए हुए हुए मजे ही आ जाए। और ये देखो जी ये आप ऊपर देख रहे हो ये है गोल्ड सोना साथ में जी, बढ़िया देसी घी डाल के ना कमाल से घोटा हुआ साग। लोग ना बोल देते हैं कि भाई मेरा साग 12 घंटे बना हुआ है, कोई कहता मेरा 14 घंटे बना हुआ है, पर जो ज़्यादा देर तक बना होता ना वो अपने आप बता देते हैं बना हुआ। इतना मखमली हो चुका ना साग, बहुत ही कमाल है। और मेन मोटिव यहाँ पे आने का क्या था, जो बातें ना आंटी जी की, अगर आप पंजाबी जानते हो तो आपको पता है आंटी जी ने क्या क्या बात की, अगर नहीं जानते तो उसको मैं पूरा कंक्लूड करके बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि भाई मेहनत जो करता है ना वो कहीं भी पहुंच जाता है, वो किसी से भी कैसे भी काम शुरू कर लेगा। अब आंटी जी अपनी गाड़ी में ढाबा चला रहे हैं, आप और मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि भाई प्रॉपर स्पेस हो, घर वालों से कहते हैं कि पापा पहले मेरे को फंड दो मैं जगह लूंगा फिर रेस्टोरेंट खोलूंगा, जबकि काम करना हो ना तो वो एक बुलेट पे भी हो जाएगा, एक स्कॉर्पियो पे भी हो जाएगा, एक स्कॉडा पे भी हो जाएगा, कहीं भी आप काम करना चाहो आपका बस दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे काम करना है। काम कैसे भी शुरू हो सकता है, जो व्लॉगिंग भी है ना भाई लोग मैसेज करते हैं भाई कैमरा कौन सा यूज़ करते हो, आप एक फ़ोन से भी कर सकते हो, बस आपके अंदर ना इच्छा होनी चाहिए। तो कोई भी काम है कैसे भी शुरू हो सकता है, आप करो, दिल में है करंट कि मुझे कुछ करना तो कर लो, सोचो मत। और भाई खाना बहुत कमाल है, अगर ऐसा ही खाने करंट वाला खाना जाते हो तो आ जाओ BRS नगर में पखवाल रोड पे आ जाओ, बिल्कुल ये पीछे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का बोर्ड आपको दिख देगा, बोर्ड के नीचे बिल्कुल आंटी जी खड़े हैं और दूर से आपको स्कॉर्पियो दिख जाएगी। मैंने किसी और को लुधियाना में स्कॉर्पियो के अंदर खाना बेचते नहीं देखा।